नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना पवई पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। चेकिंग के दौरान पवई पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और चोरी की एक बोलेरो को जब्त कर लिया है। बता दें कि थानाध्यक्ष पवई ब्रह्माधीन पांडे अपने हमराहियों के साथ मिल्कीपुर चौराहे पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मित्रपुर की ओर से एक सफेद बोलेरो काफी तेजी गति से आ रही थी। इसे रोकने का इशारा किया गया तो बोलेरो चालक बोलेरो को सुलेमापुर चकिया जाने वाले रोड की तरफ तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस वालों द्वारा पीछा किया गया। मुक्तिलीपुर पहुंचते ही बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली की पोल से टकरा कर रुक गई और 2 व्यक्ति बोलेरो से उतरकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। आज दिनांक 9/3/22 को थाना प्रभारी पवई और उनकी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग मिल्कीपुर चौराहे पर की जा रही थी, तो एक सफेद रंग की बोलेरो को रुकने का इशारा किया गया, तो वाहन चालक द्वारा उस बोलेरो को रोका नहीं गया बल्कि तेज गति से आगे बढ़ा दिया गया। पुलिस द्वारा इसे संदिग्ध मानते हुए इसका पीछा किया गया तो आगे मुतकल्लीपुर के पास उक्त बोलेरो अनियंत्रित होकर एक पोल से टकरा गई। पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच करके उसमें से अंदर बैठे व्यक्तियों को बाहर निकाला गया और उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना नाम संगम पुत्र हरिलाल निवासी कांदीपुर तथा नरेंद्र देव पुत्र त्रिशूलधारी निवासी कांदीपुर जनपद अंबेडकर नगर बताया। जब पुलिस द्वारा उक्त बोलेरो की नंबर प्लेट की जांच की गई तो नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। इनसे दोबारा पूछताछ करने पर इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि यह बोलेरो उन्होंने 16 फरवरी को शाहगंज जौनपुर से चुराई थी, जिसके संबंध में थाना शाहगंज पर अभियोग भी पंजीकृत है। अभी तक की जानकारी के अनुसार संगम पुत्र हरिलाल के ऊपर 3 मुकदमे हैं, अन्य व्यक्ति और इसके शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पुलिस द्वारा नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर इन्हें न्यायालय रवाना किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी कर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग पंजीकरण भी करवाया जाएगा।